पटियाला कोर्टर छाड़पत्र मामला एवं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची एने अधिक आलोचना करवा आम सहित अच्छा सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी अश्विनी दुबे जे कि रही अनुभव महांती लॉयर सीधा सड़क सहित आलोचना करवा सर पहले आप पिटीशन डाले थे पटियाला हाउस कोर्ट में एसडीजेएम कोर्ट में और एक मैटर हियरिंग हो रहा है। वर्षा जी अभी अपील किए हैं कि ये केस को ट्रांसफर किया जाए क्योंकि कोरोना का मामला भी है और वो एक लेडी है आ नहीं पाएंगे, तो इसके ऊपर आप कैबिनेट भी फाइल किए हैं, तो इसका कानूनी प्रक्रिया अभी क्या? अभी हमारे पास पिटीशन की कॉपी नहीं आई है। आप सबके माध्यम से टीवी चैनल के माध्यम से ही पता चला है कि ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल हुई है। हमने उसमें कैवियट लगाई हुई है और हम ऑनरेबल कोर्ट से यह गुजारिश करेंगे जो फैक्ट्स हैं, जो हैरेसमेंट, जो एगनी, जो टॉर्चर अनुभव मोहंती जी ने 7 वर्षों के अपने जो मैरिड लाइफ थी उसमें सहा है वो हम ऑनरेबल कोर्ट को बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसफ़र पिटीशन होती है, ट्रांसफ़र पिटीशन में बेसिकली ये देखा जाता है कि लेडी के पास जो ट्रांसफ़र सीक कर रहा है पिटिशनर उसके पास अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, वो ट्रैवल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो इस केस में वर्षा बहन तो बहुत बड़ी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं वो, तो वो शूटिंग्स के लिए भी अवार्ड सेरेमनीज के लिए यहाँ जाती रहती हैं हर जगह, तो ऐसा कहना कि वो आ नहीं सकती हैं दिल्ली ये तो मिथ्या है। हम ऑनरेबल कोर्ट को इस बात से अवगत कराएंगे। दूसरा, उनका अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, उनके पास अपना खुद कमाती भी हैं, एक्ट्रेस हैं, तो ये बात भी हम ऑनरेबल कोर्ट को कहेंगे कैसे लोगों को जो सक्सेसफुल भी हैं, जो सक्षम हैं, कैपेबल हैं, उन लोगों को ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स का लाभ नहीं दिया जाए। तीसरी बात, उसके बाद भी ऑनरेबल कोर्ट का अगर डिसीजन होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो हम कटक चले जाएंगे। हमारे लिए तो चाहे ऑनरेबल कटक की कोर्ट हो चाहे दिल्ली की कोर्ट, आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत हम पहले अपनी बात कहेंगे, फिर अगर कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो हमें मानना है। प्राइमा फेसी तो हम कहेंगे कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, और वैसे भी ये पिटीशन प्रीमेच्योर पिटीशन है। प्रीमेच्योर पिटीशन इसलिए कि अभी वर्षा जी के केस में कोई नोटिस तो कोर्ट ने किया नहीं है। वर्षा जी का केस तो एज इट इज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। दूसरा, जो सेक्शन 9 उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स डाला, उस पर भी कोर्ट ने जो जैसा पता चला कहा कि वहीं उसी घर में आप रह रहे हो, उन्हीं के पिता के घर में रह रहे हो और वहीं आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की मांग रहे हो, तो ये सब मिथ्या सा लगता है। दूसरा, उसी घर में रह करके आप 15 करोड़ रुपयों की मांग कर रहे हो रेजिडेंस के लिए, रेंट के लिए, तो ये भी थोड़ा मिथ्या है। ये सारी मिथ्या बातें उनकी पिटीशन में है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात बताएंगे और ऑनरेबल कटक कोर्ट को भी बताएंगे ये बात। पहले जो पिटीशन आया था आपका एलिगेशन था कि ये कॉपी पेस्ट है, अभी जो आप पिटीशन आया है सुप्रीम कोर्ट में आप बोल रहे हो प्रीमेच्योर है, तो सर आपका पिटीशन किस आधार पर? नहीं, हमारी पिटीशन तो देखिए जो पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रुथ के बेसिस पर है, सच्चाई के आधार पर है। जो हैरेसमेंट, जो टॉर्चर अनुभव मोहंती जी ने 7 वर्षों में सहा, और सिर्फ परिवार की इज्जत समाज में ना आए, परिवार की इज्जत बची रहे, और एक जो महिला का सम्मान अनुभव मोहंती जी करते हैं, लेडी के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, मेल के लिए जो इक्वल सोच है उनकी, उसकी वजह से एक सेलिब्रिटी होने का, एक पार्लियामेंटेरियन होने का उन्होंने बड़ा ही उसकी वजह से दबाव में रहे, और देखिए 7 ईयर्स तक कितना हैरेसमेंट उन्होंने सहा होगा, कि उस घर में रहने के बाद भी कितनी क्रुएल्टी उन्होंने सही होगी। अभी भी तो रह रहे हैं। देखिए वो उनके पिता का घर है, वो अनुभव मोहंती जी के पिता का घर है, अनुभव मोहंती का घर नहीं है, वो उनके पिता का घर है। उनके पिता इज अ ग्रेट मैन, वो जब तक चाहे तब तक अपने यहाँ रखें, नहीं चाहे तो वो निकाल दें जबरदस्ती। जो वर्षा बहन भी उनके घर में रहकर अपने एनजीओ के लोगों को भेज करके वहां कहना कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो यानी एक तरफा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। अनुभव मोहंती जी का जो ह्यूमन राइट्स इतने सालों से वायलेशन होगा उसकी कोई बात ही नहीं करता है। तो सर अभी आप बोलेंगे कुछ देर पहले कि आपको पता नहीं है और मीडिया से पता चला कि पिटीशन है, तो कैबिनेट किसी से अपने कैबिनेट, क्योंकि जब पिटीशन पूरी तरह से ठीक होकर के फाइल हो जाती है तब हमें कॉपी सप्लाई की जाती है। तो अभी जो इंटरनेट पर फाइल हुआ है तो वो एक फाइलिंग है, तो वो आप लोगों के कैबिनेट में सर आप ये सिर्फ मेंशन किया कि हमको सुना जाए, हमें सुना जाए और हमें बिना सुने हुए इस पर ऑर्डर नहीं किया जाए, तो वो एक बार पिटीशन आ जाएगी, हम पढ़ लेंगे तो उसका रिप्लाई भी करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उस बात के बारे में बताएंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में सर पिटीशन आप डाले थे वो शायद अक्टूबर 7 को हियरिंग है, अक्टूबर को उसकी हियरिंग है जिसका नोटिस हुआ है सर। देखिए अभी उसमें नोटिस नहीं इशू हुआ है, 7 अक्टूबर को फर्स्ट हियरिंग लगी, क्योंकि जब फाइल किया तो हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो मैटर्स कोविड की वजह से अपने आप वो ट्रांसफर हो गए आगे, तो वो हम ऑनरेबल कोर्ट को 7 अक्टूबर को उस बात को करेंगे। और अभी इसीलिए इनकी पिटीशन जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है, तो इसलिए इनकी पिटीशन इस तरह प्रीमेच्योर है। तो इसके आधार पर अगर ट्रांसफर केस हो जाती है एसडीजेएम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी, तो आपकी तरफ से कानूनी पहल किया हम, चाहे दिल्ली का कोर्ट होगा चाहे कटक का कोर्ट होगा,
या हमारे लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी कोने में जा करके अगर करने के लिए कहेंगे तो हम करेंगे। हम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, हम कोर्ट में सच्चाई बताते हैं, हम झूठी बात नहीं बताते कि उसी घर में रह रहे हों और वहीं 15 करोड़ रुपए की मांग करें, हम उसी घर में रह रहे हों और हम किराए की मांग करें, हम उसी घर में उनके पिता की मर्जी से रह रहे हों और उनके पिता के ऊपर ही केस करें, तो हम झूठ का सहारा नहीं लेते। अनुभव मोहंती जी बहुत क्लीन इमेज के व्यक्ति हैं और सच्चाई के आधार पर उन्होंने पिटीशन फाइल किया और वो सच्चाई हम कोर्ट के सामने बताएंगे। जो सर अभी आप सोर्स ऑफ इनकम की बात किए कि सोर्स ऑफ इनकम उनका अच्छा है, वो आ सकते हैं, ऐसे जो प्री मैच्योर पिटीशन डाले, लेकिन उनका कहना है कि जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो अनुभव मोहंती को सीधे तरफ से जा रहा था, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम की जो बात आप की है वो सीधा तरफ अनुभव जी को जा सकता, तो इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, कट कॉपी पेस्ट की बातों का तो कोई मतलब नहीं है। एक पिटीशन के तथ्य उठाकर दूसरे पिटीशन में डाल दे, दूसरे पिटीशन के फैक्ट उठाकर तीसरे में डालते, तो रथ साहब तो इसमें एक्सपर्ट हैं, कट कॉपी पेस्ट में रथ साहब एक्सपर्ट हैं। उनकी सब पिटीशन में वही होता है, शराब पी करके मारपीट करना, सब पिटीशन में होता है कि मेरा सारा पैसा ले लिया, सब पिटीशन में होता है कि पिता ने वो किया, तो ये कट कॉपी पेस्ट का जवाब हम सच्चाई से देंगे। आम सहित थे अश्विन दुबे जी की रही अनुभव महांती वकिल, सीधा सड़क सी आलिगेसन लगे जे पूर्व जो पिटीशन टी थिला वर्षांकर ता कॉपी पेस्ट पिटीशन थिला, वर्तमान ये प्री मैच्योर पिटीशन जेहेतु पटियाला हाउस कोर्ट जो मैटर टी रही नोटिस हैनी, तेणु ये समय रे पुणी गोटे पिटीशन ट्रांसफर पई पकेबा सोर्स ऑफ इनकम अच्छी सी जो मेंशन करचन जे मोर सोर्स ऑफ इनकम नहीं बा कोरोना महामारी जो मुझे ट्रांसफर करिया पई चाहूची, तेणु या परे वर्तमान किभली भाबे मैटर टी लिस्टेड हबो, वर्तमान पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रे मैटर लिस्टेड हैनी, लिस्टेड हबो हियरिंग हबो सेतळ चित्र स्पष्ट हबो जे किभली भाबे एमाने पक्ष रखुचंती एवं पक्ष आधार रे मान्यवर कोर्ट किभली भाबे राय देउचंती। नवदिल्ली कैमरा पर्सन नीरज के सहित गगन अर्गस न्यूज।